असलम सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर बाई मेडिकल स्टडिंग स्किल्स प्रीमियम लर्निंग एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट फार्माकोलॉजी सेशन एंड इट्स अ पेड सेशन तो ये एक डेमो क्लास आप लोगों के लिए है और इसमें हम अपनी जो प्रीमियम लर्निंग है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि हम फार्माकोलॉजी किस तरह आप लोगों को पढ़ाएंगे किस तरह आप लोग का टेस्ट सेशन वाइवा सेशन उसी में इंक्लूडेड होगा और किस तरह आप लोग की 40 डेज़ में प्रिपरेशन करवाई जाएगी फार्माकोलॉजी की सो so, ये लेक्चर हम इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम सिस्टम है एंड यू कैन असेस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर हम तीन ट्रायल लेक्चर देंगे फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन टू दटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे होगा नेक्स्ट कॉलिनाजिक ड्रग्स पे होगा उससे नेक्स्ट एंटी कॉलिनाजिक ड्रग्स पे होगा इनशाला तीन दिनों में आएगा और ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल को इंशाल्लाह हमारा सेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा सो दिस इज मेडिको बाई मेडिकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अस वी गाइडेड यू पीपल लास्ट ईयर और हमारे पेज पे हमारे फेसबुक ग्रुप्स में आप लोग जाके रिव्यूज हमारे देख सकते हैं आप लोग को गाइडलाइंस मिली होंगी प्रॉपर गाइडलाइंस के पीडीएफ्स आप लोगों ने हमारे पढ़े होंगे और आई होप उन सबसे आप लोगों का फ़ायदा हुआ होगा जो काफ़ी बच्चों के रिव्यूज़ होते हैं एम एस एस प्रीमियम लर्निंग का अभी रिसेंटली सेशन हुआ था उसके रिव्यूज़ भी हमारे फेसबुक पेज पे अपलोडेड है यू कैन सी द रिव्यूज एज वेल और दिस इज़ अ फार्माकोलॉजी फोर्टी डेज सेशन इनशाला वी विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स एक्सेप्ट सी एन एस बिकॉज यू एच एस में सी एन एस के दस चैप्टर है और उसमें से थर्टीन मार्क्स का पेपर आना जब है जबकि बाकी टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है तो हमने पहले ऑब्वियसली स्मार्ट स्टडी से कवर करना है बट इन द एंड इंशाल्लाह आप लोगों को सी एन एस का बताया जरूर जाएगा कि किस तरह यू कैन प्रिपेयर इट रियली वेल स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स एंड डिस्टिंगशन बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो तो ऑब्वियसली आपके डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवाए जाएंगे बट वी विल हेल्प यू इन सी एन एस एज वेल और उसके टेस्ट सेशन इसमें इंक्लूडेड होगा टेस्ट आप लोग के सी एन एस के लिए जाएंगे it is a paid session. i want to clear it. this is going to be started from 12th of april 2021. this is the first demo class and if you want any detail, you can contact us on this number or either our payment details, you will send the payment or it is a first come, first serve policy. we are not going to add any person in our group. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फार्माकोलॉजी का अगर आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता होगा तो आगे जितने भी चैप्टर है सी वी एस है जी आई टी है रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सारे चैप्टर्स में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कॉन्सेप्ट अप्लाए होंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाँच चैप्टर है इसमें से एक एस सी क्यों आना है और से छम सी क्यूज से आते हैं तो इसके पांच चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आपको इंट्रोडक्शन आता है इसके अगले जो चार चैप्टर है वो आपके लिए हलवा हो जाएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन में इसकी जो हर रिसेप्टर के रिगार्डिंग और इसके सारे जनरल कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और अगर आपका जनरल कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग है तो आप लोगों को नेक्स्ट वाले चैप्टर में से सिर्फ ड्रग्स अच्छे से याद करनी पड़ेगी और आपको उनके एक्शन खुद ब खुद समझ आते जाएंगे अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया सो आई ऑलवेज ट्राई के फार्माकोलॉजी पढ़ाई ना जाए बल्कि समझाई जाए सबसे बड़ा मसला यह है कि फार्माकोलॉजी को क्रेम किया जाता है बट फार्माकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फाइंड इन एम बी बी एस एंड इन ऑल हम जब स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो हमें हल्का सा कंसेप्ट होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम किस तरह डिवाइडेड है द नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेसिकली इट हैज़ टू पार्ट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ना है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो डिवीजन है फर्स्ट इज़ सिंपथैटिक डिवीजन एंड द सेकेंड इज़ पैरासिम्पथेटिक डिवीजन तो सबसे पहले तो हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए जब हम इनका डिफरेंस पता होगा फिर इनका एक्शन पता होना चाहिए और जब हमें इसका एक्शन पता लग जाएगा तो जोन सी भी ड्रग्स होंगी हमें उनके एक्शंस ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम्स हमने बता दिया एंड द दियाटिक जो पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व नंबर थ्री सेवन नाइन टेन ये इन्वॉल्व होती है उसके अलावा जो नर्व स्पाइनल नर्व होती है एस टू से एस फोर वो इन्वॉल्व होती है ये हमारे पास पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व है देन वी मूव टूअर्थ दिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम तो आप लोगों ने थोड़ेक्स में भी पढ़ा होगा टी वन टू टी टेवा एल वन टू एल फाइव ये सारी नर्वस जो है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व है ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व है कोई एक तो ऐसा स्पेसिफिक डिफ्रेंस होगा जिसकी बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया जाता है तो जो सबसे मेजर डिफरेंस है सबसे पहले वो डिस्कस किया जाएगा ताकि मेजर डिफरेंस आपको पता लगे सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रोमिनेंट डिफरेंस जिसकी बेसिस पे पैरासिंपथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिवाइड किया जाता है वो गेंग्लिया है जो गेंगलिया पैरा चेन में है और प्रीवेटेब्रल चेन में है उनसे जो भी फाइबर बाहर जाएगा वो हमारे पास सिंपथेटिक फाइबर होगा ये आपकी स्पाइनल कोड है स्पाइनल कोड के इधर आपके पास कुछ गेंगलियो पड़े होते हैं केन की फॉर्म में स्पाइनल कोड में से नर्व निकली और नर्व जाके गंगलियोन के अंदर नर्व ने साइनेप्स कर लिया तो ये ब्लू से मैं नर्व शो कर रहा हूं ये नर्व निकली इसने गंगलियोन के अंदर जाके साइन किया जो साइन करके एक और नर्व बाहर निकली है ये वाले हमारे पास होगी सिंपथेटिक नर्व और ये हमारे पास कौन सी नर्व है ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है जो गेंगलियोन के बाद है और जो गेंगलियोन के अंदर एंटर हुई थी ये इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी ऐसी नर्व है जो कि पैरावेटेब्रल चेन और प्रीवेटेब्रल चेन के गेंगलियोन के से बाहर निकलती है वो सिंपथेटिक नर्व होगी और पैरासिम्पथेटिक के गंगलिया कहाँ पे होते हैं पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के गेंगलिया होते हैं वो या तो ऑर्गन के करीब होते हैं नियदा ऑर्गन या वो उस ऑर्गन के अंदर होते हैं तो इस वजह से जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के गेंगलिया है दे आर फार अवे फ्रॉम द नर्व ये जो आपकी स्पाइनल कोड है जिधर से नर्व निकलनी है ये उससे दूर होते हैं पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के गेंगलिया ये मैं आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाऊंगा इसके बाद डायग्राम आएगी वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगी इस बात को आप लोग ने पैरासिंपेटिक के चार बड़े इंपॉर्टेंट में। में था आप रहे थे एक टाइन था, विच इज ऑल्सोटिक गेंगलियो तो वो देखें वो आपकी स्पाइनल कोर्ड से दूर है वो नियर दर्गन है सीलरी गेंगलियन आपकी आई को कंट्रोल करता है और वो आई के करीब ही पड़ा हुआ है तो ये पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है तो बस याद रखना है सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेंगलिया होते हैं जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके प्री गेंगलियोनिक फाइबर शॉर्ट होते हैं यानी जो फाइबर गेंगलियोन के अंदर एंटर हो रहा है वो शॉर्ट होगा और जो गेंगलियोन से निकल के आगे जा रहा है वो लॉन्ग होगा इन केस ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बट इट इज ऑपोजिट इन केस ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो के अगली डायग्राम में आप लोगों को नजर आएगा अब सिस्टम का मैं एक और फीचर बता दूं कि सिंपथेटिकेर आ, आ गया आपको स्ट्रेस होगा एकदम आप डर जाओगे और आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा आपके डिफरेंट ऑर्गन पे इनर्वेशन जाएगी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की तो ये आपको स्ट्रेस में आपकी बॉडी का फंक्शन करवाता है यानी आपको एकदम स्ट्रेस हुआ आपने शेर को देखा आप एकदम धोड़ लगा दोगे तो क्या हुआ तब आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था पैरासिम्पथेटिकेट होता है वेन यू आर ऑन रेस्ट टाइम और डाइजेस्ट फॉर एग्जाम्पल आप आराम से बैठे हुए हैं और आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं तो तब आपका पैरासिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा आप साथ साथ स्नैक्स खा रहे हैं साथ डाइजेशन चल रही है फॉर तो एक्साम्पल आप मूवी देख रहे हैं एकदम कोई हॉरर सीन आ जाता है हॉरर सीन आएगा तो आप डर तो जाओगे तब आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपथेटिक एंड द पैरा नर्वस सिस्टम अब हम देखते हैं ये डायग्राम को दिस डायग्राम इज वेरी एलेबोरेटिव सबसे पहले हम देखते हैं जो ये राइट right साइड है ना ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को शो कर रही है और जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम को शो कर रही है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या कहा था जो गेंगलियोन है दीज आर प्रेजेंट नियर द स्पाइनल कोड तो ये देखिए जो ये पैरावर्टेब्रल चेन है इट इज प्रेजेंट नियर द स्पाइनल कोड जो इस चेन के अंदर नर्व एंटर हो रही है इट इज सेट टू बी प्री साइनेप्टिक नेंगलियों से बाहर जो नर्व आ रही है इट इज सेट टू बी पोस्ट साइनेप्टिक नर्व तो यू कैन क्लियरली सी दट प्री साइनेप्टिक फाइबर आर शॉर्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर आर लॉन्ग बट इट इज ऑपोजिट इन द केस ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पथेटिक में आप लोग देख सकते हैं कि ये नर्व निकली हार्ट के करीब गई वहां पे जाके इधर कहीं गेंगलियन पड़ा होगा तो इसका जो प्री साइनेप्टिक फाइबर है वो लॉन्ग होगा और इसका जो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर है वो शॉर्ट होगा <coughs> तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम बहुत सी जगह है जहाँ पे दोनों सिस्टम एक्ट करते हैं और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे सिर्फ पैरासिम्पथेटिक एक्ट करता है कहाँ पे सिर्फ सिंपथेटिक एक्ट करता है कहाँ पे दोनों एक्ट करते हैं और कहाँ पे इनमें से कौन सा सिस्टम डोमिनेट करता है तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है जब हमें ये सब कुछ समझ आ जाएगा तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रग्स पढ़ेंगे तो हमारे पास ड्रग्स का एक्शन हमें पहले से पता होगा हमें बस उसके रिसेप्टर का अगर पता होगा कि उसका रिसेप्टर क्या करता है तो ड्रग का एक्शन वही होगा जो रिसेप्टर का फंक्शन है सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं सो बेसिकली वी हैव टू नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक इनके अब रिसेप्टर्स हैं इनके, है। इनके रिसेप्टर्स हमारे पास है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर इसमें वर्ड आ रहा है कोलिनर्जिक ये किसमें है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोलिनर्जिक वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन को इंडिकेट कर रहा है और इसका इसको इंडिकेट करने की क्या जरूरत है क्योंकि इन रिसेप्टर्स पे सिर्फ एसिटाइल कोलिन अटैच हो सकती है या एसिटाइल कोलिन लाइक मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं यानी जो आपके पास निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं और मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं इन पे कौन एक्ट करता है इस पे एसिटाइल एक्ट करती है और ऐसी टाइलकोलिन की वजह से इन रिसेप्टर को हम कह देते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें आपके पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं अल्फा एड्रीजिक रिसेप्टर एंड बीटा एड्रीनाजिक रिसेप्टर नाउ व्हाट इज एड्रीनर्जिक इन लाइन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे दो चीजें इंपॉर्टेंटली मेनली अटैच होती हैं वन इज नोफरी The other is epinephrine. तो इन रिसेप्टर पे और एसी टाइलोलिन नहीं अटैच होगी वट इज द रीजन क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए और स्ट्रक्चरल कंपेटिबिलिटी इन रिसेप्टर की एसीटाइलोलिन के साथ मिलती है तो ये फंक्शन करेंगे इन पे आके कोई और मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकता अच्छा अब ये आप गौर से देखें सिंपैथेटिक सिंपथेटिक सिस्टम है इसमें ये गेंगल्योन है ये प्री साइनेप्टिक फाइबर है पीएसएफ से प्री साइनेप्टिक फाइबर और ये पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर है कहां पे बन साइनेप द गेंगलियोन

नेक्स्ट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के जो पोस्ट पोस्टिक फाइबर है पोस्ट पोस्टिक फाइबर इन सिंपथेटिक हैं और एपिनेफ्रीन किन रिसेप्टर्स पे रिसेप्ट लग सकती है एड्रीनर्जिक सो so ये हमारे पास एड्रीनर्जिक पोस्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जहाँ पे एपिनेफ्रीन जाके लग जाएगी अब हम नेक्स्ट साथ ही डायग्राम है पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें ये है प्री साइनेप्टिक फाइबर और इसका आप प्री साइनेप्टिक फाइबर देख सकते हैं कि लॉन्ग है एज कंपेयर टू प्री साइनेप्टिक फाइबर ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम प्री साइनेप्टिक फाइबर हमेशा एसिटाइल कोलीन रिलीज होती है बेशक वो सिंपथेटिक है बेशक वो पैरासिंपथेटिक है प्री साइनेप्टिक फाइबर हमेशा एसिटाइल कोलीन रिलीज करते हैं बिकॉज गैंग्लियन में एन एन टाइप रिसेप्ट होते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं प्री साइनेप्टिक फाइबर पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर जो है वो क्या रिलीज करते हैं इन केस ऑफ पैरासिपथैटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट पोस्टिक फाइबर इन केस ऑफ पैरासिपथैटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल रिलीज करते हैं और ये एसिटाइल कोलिन जाके अटैच होता है रिसेप्टर्स पे यानी जब एसिटाइल कोलिन किया रिलीज तो यहाँ पे या तो रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए पोस्ट पोस्टिकली या निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए इसके अलावा कोई और रिसेप्टर पे एसिटाइल ने एक्ट नहीं करना दिस इज दिफरेंस बिटवीन द पैरा सिंपेटिक एंड नर्व सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अब देखें अब इस लाइड में दो एक्सेप्शन आप लोगों को बिताई जाएगी हमेशा एक्सेप्शन याद रखनी है आपको पता है कि एक्सेप्शन पूछी जाती है एक्सेप्शन से एमसी क्यूज बनते हैं तो एक्सेप्शन आप लोगों ने इसलिए अपने जहन में अच्छे से बिठानी होती है

आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी आप तीन टाइप्स देख रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है सबसे पहले तो जो मेन टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं देखिए तीनों के जो प्री साइनेप्टिक है तीनों एसिटाइल कोलिन रिलीज कर रहे हैं तो प्री साइनेप्टिक में एसिटाइल कोलिन रिलीज होनी है वो सिंपथेटिक हो या पैरासिंपथेटिक इसको कंफ्यूज नहीं करना पोस्ट साइनेप्टिकली जो नॉर्मली सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉर रिलीज करता है तो नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करेगा और अपना एक्शन दिखाएगा बाय एक्टिंग ऑन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स आपको पता है दो टाइप्स के होते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और टू आर ऑफ टू टाइप अल्फा एंड द बीटा मेनली नेक्स्ट जो है दिस इज द एक्सेप्शन ये एक्सेप्शन है इसमें पोस्ट सिनेप्टिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलीन रिलीज कर रहा तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिंपथेटिक है या है क्योंकि पैरासिम्पथेटिक में भी आप देख सकते हो कि प्री साइनेप्टिक और फाइबर में भी व्हाट इज द डिफरेंस द डिफरेंस इज बिटवीन द गेंगलियोन जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का गेंगलियोन है वो प्रेजेंट होगा पैरावेटेबल या प्रीवेटेबल चेन में यानी जो पोस्टाइनेप्टिक फाइबर ये आ रहे हैं ये basically pre -vertebral या -vertebral chain में से निकल के आ रहे हैं in case of sympathetic nervous system. जो फाइबर, अगर ये वाला फाइबर, uh, pre -vertebral chain या -vertebral chain से ना निकलता तो फिर ये पैरासिपथेटिक होता हो सकता था लेकिन ये उनमें से निकल रहा है इस वजह से ये है सिंपथेटिक दिस इज द एक्सेप्शन और ये कहाँ पे ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्वेट ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड्स में भी स्पेसिफिकली याद रखना है ये थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये बात याद रखनी है अब आपको दो तरह के फाइबर्स के नाम पता होने चाहिए एक होते हैं एड्रीनर्जिक एक होते हैं कोलीनर्जिक सारिफ वो फाइबर्स जो कि नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन रिलीज करें उनको कहते हैं एड्रीनर्जिक वो फाइबर्स जो अपनी एंडिंग पे साइनेप्टिक लेफ्ट में जाके एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं उनको कह देते हैं कोलीनर्जिक फाइबर तो ये कोलीनर्जिक फाइबर है ये भी कोलीनर्जिक फाइबर है ये भी कोलीनर्जिक फाइबर है ये भी कोलीनर्जिक दिस इज ऑल्सो कोलीनर्जिक फाइबर दिस इज एड्रीनर्जिक फाइबर सही हो गया ये कॉल फाइबर है अब थर्ड एक्सेप्शन क्या है थर्ड ये है कि ये जो कोलिनेजिक है ये जाके एक्ट करता है एड्रिनल मेडला पे यू नो वेरी वेल के एड्रिनल मेडला इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ द एपिनेफ्रीन एंड द नॉर एपिनेफ्रीन सो so व्हेन दिस एक्ट ऑन एड्रिनल मेडला तो एड्रिनल मेडला से मेनली एपिनेफ्रीन और साथ नॉर एपिनेफ्रीन थोड़ी सी अमाउंट में रिलीज हो जाती है और रिलीज होके कहां पे जाती है ब्लड में और ब्लड से जाके ऑर्गन्स पे अफेक्ट करती है तो ये आपका हो गया नर्वस सिस्टम की टू डिजन और आपको एक्सेप्शन पता लग गई तो ये वाली एक्सेप्शन याद रखना कि थर्मोरेगुलेटरी स्वेट आर बाय कोलीनर्जिक सिंपथेटिक फाइबर इसमें सिंपथेटिक वर्ड और कोलिनर्जिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सो नेक्स्ट अब हम आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जिक रिसेप्टर रिसेप्टर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि दो तरह के रिसेप्टर कोलिनर्जिक्पल थी अल्फा एंड बीटाजिक रिसेप्टर की एग्जाम्पल थीन एंड नॉर एड्रीनाल इज द अदर नेम ऑफ एपीफ्रीन और नॉर एपीन तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे सिर्फ ये जाके बाइंड हो सकती है क्योंकि इनकी अफीनिटी है उसके साथ इन केस ऑफ द कोलिनर्जिक रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन बाइंड टू द रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन की अफिनिटी है मस्कोनिक और निकोटिनिक के साथ एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं ये आपके सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्ट पैरासम्पथैटिक नर्वस सिस्टम इसके न्यूरोन एड्रीन कोलिनर्जिकलोलिन रिसेप्टर की एग्जाम्पल अल्फाबीटा तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें दीज आर द दिक्यूज पॉइंट्स आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए सबसे पहले ऑल प्री ये सारा कंक्लूजन है जो पीछे पड़ा ऑल प्री साइनेप्टिक गेंगलिया रिलीज एसीटाइलोलिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट

वो है थर्मोरेगुलेटरी सिंपैथेटिक स्वेट ग्लैंड हैज कोलिनेर्जिक फाइबर स्वेट ग्लैंड है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक लेकिन फाइबर उसके कोलिनेर्जिक है दिस इज द मेन एक्सेप्शन दे आर सिंपैथेटिक बिकॉज़ पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर कमिंग आउट ऑफ पैरावेट्रल और प्रीवेट्रल गैंग्लियन सो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट रिगार्डिंग द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अब हम आते हैं ये आप लोगों को समझ आ गई होगी डायग्राम की अब हम रिसेप्टर्स पे आते हैं हमने बात की थी दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं एक होते हैं कोल एक होते हैं एड्रीनर्जिक नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिसेप्टर्स फर्स्ट आप सबको कोल रिसेप्टर्स की लोकेशन आनी चाहिए क्योंकि जब आपको लोकेशन आती होगी तो आपने जब ड्रग्स पढ़नी है नेक्स्ट चैप्टर में तो वो जाके उस रिसेप्टर पे लगती होगी और वो रिसेप्टर की अगर आपको लोकेशन पता है तो आपको उस ड्रग के साइड करना भी आसान हो गए उसके फंक्शन करना भी आसान हो गए उसकी टॉक्सिसिटीज के जो नुकसान होंगे हर चीज आपको करना इजी हो जाएगी तो इनकी लोकेशन अगर आपकी फिंगर टिप्स पे होगी तो आगे वाले चैप्टर्स में आपको बहुत फायदा होगा तो मैं आप लोगों इस स्लाइड में हर वो चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए और इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई इिवेंट चीज़ एडिड नहीं है सो बेसिकली रिसेप्टर्स में

पांच टाइप के होते हैं जिसमें से पहली तीन टाइप डिस्कवर हो चुकी है बहुत अच्छे से डिस्कवर हो चुकी है काफी ज्यादा स्टडी हो चुकी है और ये पहली तीन टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये तीन लाजमी आनी चाहिए बाकी दो वैसे ही आपको जनरली पता होना चाहिए पहली तीन टाइप ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है एम वन मेनली सी एन एस में प्रेजेंट होती है और इसके अलावा ये एक और जगह पे प्रेजेंट होती है जो कि निगलेक्टेड की जाती है वो होता uh, है गैस्ट्रिक ग्लैंड नॉट गैस्ट्रिक जी आई टी सिस्टम कम्प्लीटली सिर्फ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि सिक्रीशन रिलीज करते हैं उसमें एम वन रिस्पॉन्सिबल होता है तो एम वन की लोकेशन याद रखें मेनली सी एन एस है एम टू की लोकेशन ये हार्ट पे है तो ऐसी मेडिसन जो एम टू पे जाके करती होगी वो आपके हार्ट को अफेक्ट करती होगी नेक्स्ट है एम थ्री रिसेप्टर यह स्मूद मसल पे और आपकी पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट स्मूद मसल्स है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन सा नर्वस सिस्टम होता है विच इज इनवोलेंट्री इन एक्शन तो ऑलमोस्ट एम थ्री आपकी बॉडी के हर जगह पे मौजूद होते हैं बहुत सी जगह पे मौजूद है हर जगह पे नहीं लेकिन बहुत सी जगह पे मौजूद है तो आपको हार्ट के अलावा याद रखना है कि मोस्टली कहीं बॉडी में पूछे पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है तो एम थ्री याद रखना सही हो गया एम टू है सी एन एस में एम वन है बाकी हर जगह पे पेरीफ्री में एम थ्री है <coughs> तो एम थ्री हो गया एम फोर और एम फाइव का बस इतना याद रखें कि ये सी एन एस में प्रेजेंट होते हैं सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए कि मेजर मस्क्रीनिक रिसेप्टर जी आई टी में प्रेजेंट होते हैं वो एम थ्री टाइप है लेकिन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में यानी स्टमक के ग्लैंड में होते हैं वहां पे एम वन टाइप प्रेजेंट होते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए तो ये मस्क्यूनिक रिसेप्टर का बेसिक सा ओवरव्यू है नेक्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर का बेसिक सा ओवरव्यू पढ़ते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं एन वन एन टू ये आपको पता होना चाहिए कि एन वन को ही एन एम कहते हैं और एन टू को एन एन कहते हैं इसमें एम क्या इंडिकेट कर रहा है नर्व मसल जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी न्यूरॉन आया मसल को इनरवेट किया तो वहां पे मसल पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एन एम रिसेप्टर और एन एन रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं ऑटोनोमिक गेंगलिया पे इसलिए गेंगलिया पे सिर्फ एसिटाइलोलिन रिलीज होती है यानी प्री साइनेप्टिक फाइबर हमेशा एसिटाइलोलिन इसलिए रिलीज करते हैं बिकॉज गेंगलिया रिसेप्टर्स तो ये हमारे पास निकोटिनिक दो टाइप के ये बहुत इंपॉर्टेंट है में किस तरह MCQs पूछे जाते हैं में आते है, कोई ऐसी मेडिसन दे दी जाती अभी आप लोग मेडिसन जो रिसेप्टर स्पेसिफिक होती है जाके जा नहीं लगती मतलब ऐसी मेडिसन जो सिर्फ मस्कुरिन पे जाके लगे निकोटिनिक पे जाके नहीं लगेगी तो स्केलीटल मसल पे आपके प्रेजेंट होते हैं एन रिसेप्टर तो ऐसी मेडिसिन जो मस्क्यूरिनिक पे जाके लगती है निकोटिनिक पे नहीं वो आपके स्केलिटल मसल पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा और ये एमसीक्यूज़ है और प्रोफ़ में बहुत बारी आया हुआ है अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हर रिसेप्टर का आपको पता है कि किसी भी रिसेप्टर पे आके कोई ड्रग लगती है तो एक कैस्केड चल पड़ती है अब ये कैस्केड किस तरह एक्ट करती है कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कौन सा आगे मेकानिज इन्वॉल्व होता है वो आपको पता होना चाहिए आप लोगों ने वोल्टेज गेटेड चैनल्स पढ़े थे अपनी फर्स्ट ईयर गाइटन में उसके अलावा बायो में जी प्रोटीन सिस्टम पढ़ा था फार्माकोलॉजी जनरल फार्मा में जी प्रोटीन सिस्टम पढ़ा है तो कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जी एस जी क्यू जी आई टाइप और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से रिसेप्टर्स में वोल्टेज गेटेड और कौन से रिसेप्टर्स में जी प्रोटीन कपल सिस्टम है पहले हम निकोटीनिक आ जाते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये लिंक होते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल से यानी वोल्टेज गेटेड चैनल से लाइगन गेटेड आयन चैनल है जब निकोटीन आके लगेगी तो ये लाइगन गेटेड ओ चैनल एक्टिवेट होगा और सेल डीपोलराइज हो जाएगा अच्छा नेक्स्ट वी विल मूव टू द मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स तो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर हमने डिस्कस किए पांच टाइप के था था होते हैं एम वन टू एम इसमें से कौन से कौन से कपल्ड रिसेप्टर होते हैं एम वन एम थ्री एंड एम यानी और नंबर्स जो हैं ये होते हैं जी क्यू कपल्ड रिसेप्टर आप लोगों को जी प्रोटीन सिस्टम पता होना चाहिए तो ये आप लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ लेना। होते हैं और मेनली जो मेनलीम फोर होते हैं एम टू एंड एम फोर ये जी आई कपल्ड होते हैं अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता होना ये आपको पता होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एमसी क्यूज बनते हैं एमसी क्यूज में कैसे बनेगा कि आके कोई ड्रग लगी है एम वन रिसेप्टर पे एम वन पे लगी है तो जी क्यू सिस्टम एक्टिवेट होगा जी क्यू सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आई पी थ्री डेग ये सब कुछ ये वाला सारा प्रोसेस चल पड़ेगा आई पी थ्री डैग एन पे प्रोटीन सी ये जो आप लोगों ने सारा सिस्टम बायो केमिस्ट्री में पढ़ा था तो उन्होंने दो तरह की ऑप्शन दी होती है एक आई पी थ्री डैग के रिलेटेड और एक जी एस सिस्टम के रिलेटेड जो जी एस सिस्टम होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे आके ड्रग लगेगी एम थ्री पे आके फॉर एग्जांपल ड्रग लगती है तो क्या आंसर होगा तो जिसको तो पता होगा कि ये एम थ्री जी क्यू कपर्ड है तो उसको आंसर आता होगा और जिसको नहीं पता होगा कि कौन सा कपर्ड है उसको आंसर नहीं आता होगा सो दिस इज फॉर इम्पोर्टेंट फॉर एम तो आपको ये पता होना चाहिए लाजमी आपके जो वन एम है एम है एम है ये जी क्यू होते हैं बस ये याद रख हैं जी क्यू कपर्ड है तो फोस्फोट इनोसिटोल आई पी थ्री डेग और एक्साइटेशन करेगा ये आप लोगों ने बायो कमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है इस साल की फार्माकोलॉजी जनरल फार्मा में पढ़ा है रिसेप्टर ये जी आई कपर्ड होते हैं जी आई कपर्ड जो है, उसको कम करता है ये देखिए नेगेटिव का साइन है यानी इनहिबिट कर रहा है कम कम हुआ कम हुआ साइक्लिक एज अ रिजल्ट इनहिबिशन होगी तो आप लोगों ने इसके याद कर लेने हैं इसको अच्छी तरह याद कर लें ये सारी चीजें मेमोराइज करने वाली है आपको मेमोराइज हो जाएगी तो इट विल रियली हेल्प यू इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज और अगले चार चैप्टर भी अब हम देखते हैं कि मस्क्यनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो किस किस लोकेशन में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है हम स्टार्ट होते हैं आई से हमारी आई के अंदर एम थ्री रिसेप्टर होते हैं आपको मैंने एक बात बताई थी मैंने कहा था जो एम1 रिसेप्टर है वो मेनली सीएनएस में होंगे एम2 रिसेप्टर है वो मेनली हार्ट में होंगे एम3 रिसेप्टर है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे होंगे एवरीवेयर तो देखना कि हर जगह पे एम3 रिसेप्टर्स होंगे मेनली तो आई के अंदर कौन से रिसेप्टर्स है पैरासिम्पेथेटिक कौन से रिसेप्टर्स होते है? receptor, हैं एम3 टाइप ऑफ रिसेप्टर एम3 टाइप ऑफ रिसेप्टर एक चीज आप याद रखना मोस्टली नॉट एप्सल्यूटली एप्सल्यूट रूल नहीं बता रहा मोस्टली जो एम थ्री रिसेप्टर हैं जब ये एक्टिवेट होते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन होती है मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ केसेस में ऑपोजिट होगा वो अभी आप लोग देख लेंगे एम थ्री मेनली कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई में एम थ्री है कॉन्ट्रेक्शन होगी म्योसिस होगी यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्योपेल आपकी पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के एम थ्री रिसेप्टर प्रेजेंट है सीलियरी मसल में ये भी आई में प्रेजेंट होते हैं ये कॉन्ट्रेक्शन होगी तो अकोमोडेशन होगी आप आपकी कोई चीज देख रहे हैं अकोमोडेशन होती है पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ऐसी कोई ड्रग जो पैरासिंपेथेटिक को ब्लॉक कर दे तो आपकी अकोमोडेशन क्या हो जाएगी लॉस्ट कोई ऐसी ड्रग जो इस रिसेप्टर को बंद कर दे तो आप अकोमोडेशन नहीं कर सकोगे सो इस तरह ड्रग्स आप लोग पढ़ोगे तो इन रिसेप्टर्स की लोकेशन मेमोराइज करें हार्ट पे हार्ट पे कौन के साथ होते हैं पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम द हार्ट रेट आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो तो ये इस वजह से डिक्रीज होता था हार्ट रेट ब्रोंकियोल्स एंड ग्लैंड्स जो पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो सिक्रीशियंस को इंक्रीज करता है सही हो गया एक चीज मैंने कही थी कि पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्प करता है मोस्टली और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीशन भी इंक्रीज करता है कॉन्ट्रेक्शन वाला रूल ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन सिक्रीशन वाला तो ऑलमोस्ट हर जगह पे आप लोग देखोगे लंग्स में ब्रोंकियोल्स है ब्रोंकियोल्स की में एम थ्री प्रेजेंट है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो जाता है तो कॉन्ट्रेक्शन होगी

बाकी एम थ्री रिसेप्टर जो स्टमक में होते हैं इंटेस्टाइन में होते हैं ये मोटिलिटी इंक्रीज करते हैं यानी कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं इधर भी ये कॉन्ट्रेक्शन करवा रहे हैं तो जी में भी कॉन्ट्रेक्शन आओगे इस तरह देखिए आप लोगों को वो चीज कभी भूलेगी नहीं इस तरह आप लोग चीजें याद करें एक दूसरे से मिला के कभी भी आपको याद नहीं भूलेगी ब्लैडर ब्लैडर में भी एम थ्री टाइप प्रेजेंट है ये भी कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं और कॉन्ट्रेक्शन करवा के क्या करते हैं यूरिन वॉइड करने में हेल्प करते हैं देखें ये डिट्यूजर दे मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवा रहे हैं और डिट्रूजर मसल कॉन्ट्रैक्शन जब करेंगे तो क्या होगा आपका यूरिन रिलीज होगा यानी सिक्रीट होगा बॉडी से और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन होती है स्फिंक्टर जब रिलैक्स होते हैं तो क्या हो गए ओपन होते हैं जब स्फिंक्टर ओपन हो गए तब भी आप यूरिनेट कर सकते हो ना और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आप देखो आप बिल्कुल आराम से एक काम इन्वायरमेंट में होते हो वेन यू गो फॉर यूरिनेशन तो यूरिनेशन एकदम अगर स्ट्रेस की कंडीशन में हो यू कैन स्टॉप यूरिनेशन लेकिन जब आप काम इन्वायरमेंट होते हो तब आप यूरिनेट इजीली कर सकते हो तब क्या होगा पैरासिंपथेटिक एक्टिवेट होता है उसमें भी आप लोगों ने पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ उसमें एस टू एस फॉर इन्वॉल्व होता है या आप लोग फिजियो में पढ़ के आ चुके हो नेक्स्ट है स्पिंगटर्स स्विंगटर्स सिर्फ ऐसी चीज है जहाँ पे जो मस्क्यूरिक रिसेप्टर है वो रिलैक्सेशन करते हैं बाकी हर जगह पे कंट्रेक्शन कर रहे हैं जो स्फिंक्टर्स है वहां पे आके नर्वस सिस्टम पैरासिम्पथेटिकलैक्स करते है। स्फिंक्टर्स ओपन छोड़े हैं बाकी हर जगह पे कंट्रेक्शन जारी है ग्लैंड जो है वो इंक्रीज होती है एंड द लास्ट इज अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये यह स्वेट है ना ये थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड ये सिंपथेटिक होते हैं आपको कितनी बारी बता दिया है ये अब याद रखना है नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यह आगे मैं आपको समझाऊंगा भी अच्छे से अभी मैं बताऊंगा जो मस्क्रीनिक है ना ये ब्लड वेसल की डायलेशन करते हैं लेकिन डायलेशन करने का मेकानिजम ये है ये नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथिलियम से रिलीज करवाते हैं एंड यू नो वेरी वेल नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ये आप लोग गाइटन में पड़ चुके हैं लेकिन इन रिसेप्टर्स की आती होगी तो आगे वाले में से जो बनते हैं न, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे ये चीज समझाई भी नहीं जाती और समझ आती भी नहीं है बच्चों को तो ये इंशाल्लाह आपको मैंने समझाने के आगे आने तो उधर समझाना आपने याद रखना है जो पैरासिपथेटिकनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो नॉन होते हैं व्हाट इज इनर्वेटेड

निकोटिनिक दो टाइप्स के थे एक थे एन एन एक थे एन एम एन एम तो एम से याद रख रहे हैं तो कि गेंगलिया में प्रेजेंट होते हैं और गेंगलियोन के अलावा ये मेडला में होते हैं एड्रीनल मडला एंड ऑटोनोमिक गेंगलियो तो दो जगह पे एन एन हो गए और एक जगह पे एन एम हो गया इनकी लोकेशन याद रखें यानी गेंगलिया पे कभी भी कोई ऐसी ड्रग एक्ट कर ही नहीं सकती जो कैफीनेफ्रिन हो या नॉरएपिनेफ्रिन हो यानी एड्रीनर्जिक ड्रग गैंग्लिया पे, एड्री पे एक्ट नहीं कर सकती कोई एड्रीनर्जिक ड्रग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट नहीं कर सकती कोई मस्करीनिक ड्रग जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है वो कभी भी जाके मसल पे एक्ट नहीं कर सकती तो ये अच्छी तरह चीजें ذہن में बिठाते जाएं जो मैंने बताया था जी कपल्ड होते हैं एम1 एम3 और एम5 ये तीनों थे हैं जी क्यू कपल्ड यानी फोसोल सी इंक्रीज होगा आईपी थ्री इंक्रीज डे कैल्शियम ये इंक्रीज होता है तो ये चीजें आपके MCQs के ऑप्शन में होती है एम वन पे आके कोई ड्रग लगी है उन्होंने ये ऑप्शन भी दिए हो ये भी दिए होंगे जिसको पता होगा कि जी क्यू है वो इनमें से आंसर लगाएगा जिसको नहीं पता होगा तो वो कुछ भी कर सकता है एम टू रिसेप्टर जी आई कपड़ होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर इसका सेकेंड मैसेंजर नहीं होता ये सारे सेकंड मैसेंजर सिस्टम है ये फर्स्ट मैसेंजर होते हैं कौन सा सोडियम चैनल चैनल जो कि आप लोग पढ़ते आए हो वोल्टेज सोडियम सो फर्स्ट चोटियम्यू आपका जो आ गया ये एससी में पूछा जाता है जो पिछले रिसेप्टर्स है ना मस्क्रीनिक रिसेप्टर वो भी एससी आया हुआ है वो पूछते हैं कि तीन टाइप्स के रिसेप्टर मस्क्रीनिक बताओ उनकी लोकेशंस बताओ उनके एक्शन बताओ और वो कौन से लिंक्ड है कौन से जी प्रोटीन लिंक्ड है वो बताओ तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तो एक एसी -E हम कवर कर चुके हैं नेक्स्ट एसी क्यू ये है। ये आपका एसीक्यू -E है कि डिफरेंट मेकनिजम्स के थ्रू एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन होती है और ये डिफरेंट ड्रग्स है जो एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन को रोकती है और ये एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन को डिफरेंट स्टेप्स पे रोकती है और किस स्टेप पे रोकती है आपको ये पता होना चाहिए ये में पूछा जाता है ये एसी क्यू आया हुआ है उसमें ये डायग्राम आई थी कि ये डायग्राम बनानी है तो आपको ये डायग्राम आनी चाहिए हुई है ये बड़े आराम से आता है, अंदर इस के इस को सकती है तो आपने ये याद रखना है फिर एसिटाइल को एलिन मिलके एसिटाइल कोलिन बनाते हैं और एसिटाइल कोलिन जाके स्टोर हो जाती है इसने जिस वेजिकल में स्टोर होना है उस वेजिकल में स्टोर होने से इसको रोकता है वेजामिकोल तो यानी ये वेजेमिकोल क्या है एसिटाइल्कोलिन को स्टोर होने से रोकेगी इन ड्रग्स का बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है बट बोटिलिनम अभी भी कुछ जगहों पे यूज होती है नेक्स्ट है बोटिलिनम बोटिलिनम के क्या करेगी ये नेगेटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज नहीं होने देगी यानी एसी कोलिन रिलीज नहीं होगी और एसी कोलिन अगर रिलीज नहीं होती तो यहाँ पे वो नेक्स्ट रिसेप्टर पे जाकर नहीं लगेगी इसका यूज़ क्या है वो ऑबियसली हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अभी आपने ये डायग्राम याद करनी है और इनके नेम याद करने हैं और ये किस जगह पे एक्ट करते हैं ये याद करनी है और ये क्या कर रहे हैं कि एसी टाइल को डिक्रीज कर रहे हैं या उसको रिलीज नहीं होने दे रहे तो ये हमारे पास जो कॉलिनर्जिक पार्ट था ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया यह आप लोग को अच्छे से आना चाहिए इस कोलिनर्जिक पार्ट पे दो चैप्टर बेस हुए जो पिछली मैंने आपको बातें बताई हैं ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो अगले दो चैप्टर आपके लिए हलवा होंगे नेक्स्ट एड्री रिसेप्टर अगर आपके क्लियर होंगे तो कोलिनर्जिक से आगे दो एड्री के रिलेटेड चैप्टर है एक एड्री रिसेप्टर और एक नॉन एड्री जो एंटी होती है यानी इसके ऑपोजिट होते हैं

और बीटा रिसेप्टर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री अब जो इनपे एक्ट करते हैं एड्री एजी का नॉर एपीन और, और एपी नेपिनफ्रीन है वो अल्फा रिसेप्टर पे ज्यादा अच्छा बाइंड हो सकती है और जो एपिनेफ्रीन है उसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी बीटा रिसेप्टर पे ज्यादा है यानी नॉर एपी की बाइंडिंग कैपेबिलिटी अल्फा के साथ ज्यादा है एपिनफ्रीन की बीटा के साथ ज्यादा ये याद रखने ये दोनों रिसेप्टर आपके इन्वॉल्व होते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में और जो पिछले रिसेप्टर कोलिनर्जिक वो मेनली मेनली इन्वॉल्व होते हैं पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम में एक एक्सेप्शन थी अब वो आपको वैसे याद हो चुकी होगी जस्ट स्वाइट ग्लैंड की थी ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है यानी अल्फा अगर एक्टिवेट होगा यानी तब भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है बीटा होगा तब भी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है इसका एक मेमोनिक याद रखे जो अल्फा रिसेप्टर जब एक्टिव होता है तो मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन होती है और जब बीटा एक्टिव होता है तब रिलैक्सेशन होती है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जैसे पिछले में मैंने बताया था कि मस्कुरिनिक मोस्टली जगह पे कॉन्ट्रेक्शन करवाता है तो मस्क्रीनिक पैरासिपेटिक में कोई ऐसा नहीं था जो रिलैक्सेशन भी करवा रहा हो यानी मस्क्रीनिक का रहा हो तो पैरासिम्पैथेटिक में मेनली मशकुरी की हम ज्यादा डिस्कस करते हैं ज़्यादा जगह पे वही है लेकिन एड्री रिसेप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा जो रिसेप्टर है ये भी के है ये कुछ ऐसे मसल्स मसल पे कॉन्ट्रेक्शन करवा रहे होते हैं और जो बीटा होते हैं वो उसी मसल की रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं तो अफेक्ट्स कम्पनसेट हो रहे होते हैं तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना आपको आगे बहुत काम आएगा अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स अब ना ये वाली के डायग्राम के बाद हमने इसको गौर से देखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है ये कंफ्यूज होंगे मैंने इनको बहुत चैनलाइज करके आगे स्लाइड में लिखा है एंड इट विल रियली हेल्प यू टू मेमोराइज इट हमारे पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं हमारे पास बीटा रिसेप्टर अल्फा के आगे अल्फा वन अल्फा टू अल्फ़ा में आप इस स्लाइड दिखाने का मकसद कि अल्फा मेनली कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं जैसे ब्लड वेसल में उसमें प्री डोमिनेंटली अल्फा वन प्रेजेंट होते हैं प्री मेनली जो होते हैं वो क्या करवाते हैं करवाते हैं बीटा टू प्रेजेंट होते हैं बट वो नॉन इनरवेटेड होते हैं तो नॉन इनरवेटेड मैंने अभी आपको समझाना है जैसे पीछे भी एक जगह पे हम पढ़ के आए आगे भी अभी आएगा तो मैं वो जब इकट्ठा आएगा तब समझाऊंगा तो ये डायलेट करते हैं इसी तरह ब्रोंकाई में अल्फा जब के देखें ये भी सिंपथेटिक था ये भी सिंपथेटिक था तो सिंपथेटिक सिंपथेटिक रिलैक्स भी कर रहा है लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो अल्फा स्पेसिफिक होंगी जब हम आगे ड्रग्स पढ़ेंगे कुछ ऐसी और कुछ ऐसी बात आपने याद रखनी है तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए स्पेसिफिकली के क्या करते हैं अब इनको भी इनके भी सिस्टम्स होते हैं ये आई पी थ्री डेग यानी अल्फा वन रिलेटेड टू जी क्यू होते हैं जो बीटा होते हैं बीटा वन हो बीटा टू हो या बीटा थ्री हो ये सारे होते हैं साथ साथ देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमें इसका पता होना चाहिए ये याद करने हैं शुरू में आपको लगेगा याद नहीं हो रहेगा ऐसा ऐसा जब पढ़ते जाएंगे ना आपको याद खुद हो जाएंगे मेमोराइज करें इन चीजों को आपकी आई में अल्फा वन रिसेप्टर प्रेजेंट है रेडियल अल्फा वन के साथ क्या लिंक किया था कॉन्ट्रैक्ट contract, कॉन्ट्रैक्शन को आई में प्रेजेंट है क्या करवा रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन किसकी रेडियल मसल की उसके रिजल्ट में मिड्रेस होती है रेडियल मसल ऐसे होते हैं आई है ना ये ऐसे रेडियल मसल होते हैं तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इधर को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दरमियान में जो पीपल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा तो ये कंट्रैक्शन पढ़ा है सो so, मैं थोड़ा सा इस वजह से एलैबरेट करके चीज़ बताता हूँ जो बेसिक्स होती है ना अगर आप लोग की वो ही नहीं स्ट्रॉग होगी तो आप लोग को आगे कुछ भी नहीं आएगा सो so, पढ़ाने का हमेशा मकसद भी यही होना चाहिए कि आप लोग को चीज़ें सिखाई जाए गले से ना उतारी जाए जो कि आप लोग कॉलेज में भी देखते हैं गले से उतारी जाती है या मेरे आप यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं कभी लेक्चर में जितना मर्जी मुझे टाइम लग जाए आई ऑलवेज ट्राई कर बच्चों को समझ आनी चाहिए स्पीड इंक्रीज करना मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि okay, मुझे तो वो टाइम कम लगेगा बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए ना कि मैं अपने आप को फैसिलिटेट करूं तो इस वजह से मैं हर चीज इतना लेबरेट करके बताता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो यू विल बिकम वेरी गुड डॉक्टर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट इज आर्टेरियोल्स आर्टेरियोल्स है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं आर्टेरियोल्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर है अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी Veins पे, पे, ये देखें, हर जगह पे कॉन्ट्रेक्शन यानी आपने ये याद रखना है तब भी कॉन्ट्रेक्शन होती है पैरासिंपथेटिक में हमने पता था जब मस्किनिक एक्ट होता है तब कॉन्ट्रेक्शन होती है ये कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहा होगा कोई मसला नहीं जब आप लोग ड्रग्स पड़ेंगे ना तो ऐसा ऐसा सब कुछ क्लियर होगा नेक्स्ट आ जाता है मेल सेक्स ऑर्गन ये मैंने बड़े अच्छे से आगे डिफ्रेंशियट करके लिखे आपको बड़ा फायदा होगा उनका जो अल्फा होते हैं ये एजेकेशन में हेल्प करते हैं। अल्फा वन होते हैं ये एजेक में हेल्प करते हैं in और जो होती है, उसमें कौन एक्ट करता है पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टम लिवर में ग्लाइकोलोलिस इंक्रीज होती है, होती है ये मैं आप को अल्फा वन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन आनी चाहिए alpha 2 की सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल्स ये आगे डायग्राम बड़ी प्यारी आएगी पहले मैं इधर भी दिखा देता हूँ बना के ये है हमारे पास नर्व टर्मिनल ये है प्री सिनेप्टिक नर्व ये है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व प्री सिनेप्टिक नर्व के बाहर जो रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक नर्व पे प्रेजेंट होती है यहां पे ये रिसेप्टर होते हैं प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल पे यानी ये रिसेप्टर्स के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे अल्फा टू रिसेप्टर्स बड़े कॉमन होते हैं प्रेजेंट होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका हाइपर टेंशन में रोल आएगा प्लेटिलइट और टेंिया का ये आप लोग याद कर रहे हैं एक बार नेक्स्ट है बीटा वन रिसेप्टर सो बीटा वन रिसेप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बीटा वन पैरासिम्पेथेटिक नर्वर सिस्टम में हाँ पीछे पढ़ के हैं, कौन से हार्ट पे थे type. Next है किडनी किडनी पे बीटा वन प्रेजेंट होते हैं बीटा वन एक्टिवेट होगा तो रेनिन रिलीज होगा यानी कोई भी ऐसी ड्रग जो बीटा वन को एक्टिव करेगी तो रेनिन इंक्रीज करेगी रेनिन इंक्रीज होगा तो हाइपर टेंशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं ये आगे आप लोग को हेल्प देगी तो इस वजह से आपको इस वजह से हर चीज आनी चाहिए बीटा टू

तो बीटा ब्लड वेसल्स में है तो देखें, विजो हो रही है यूट्रस में है तो रिलैक्सेशन हो रही है ब्रोंकियोल में है तो डायलेशन कर रहे हैं तो देखें एक छोटी सी चीज बताई और आपको सारा याद हो गया तो इसी तरह सारी चीजें याद होती है फार्माकोलॉजी में अगर आपको चीजें पता हो असल में आप लोग देखेंगे बहुत से सेशन में आपको चार पांच चीजें तीन चार बता दी जाएंगी जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट होगी आपको वो बार बार रिपीट करके याद करवाई जाएगी तीन चार पांच चीजें ही बस और कहेंगे कि बहुत अच्छा कर दिया आप लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो सब कुछ करवा दिया लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता पाँच छह महीने बाद जब आपको पता लगेगा ना कि फार्मा किस तरह बढ़ते हैं और जो पैथो है वो किस तरह पढ़ते हैं तब आपको आइडिया होगा कि वो तीन चार चीजों का तो आपके कोर्स में दस परसेंट भी फायदा नहीं होता तो याद रखें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंक्ड है अगर मैं ये सारा कुछ इतना एक्सप्लेन बता रहा हूं ना तो ये आगे आपको हर जगह पे फायदा देने वाली है तो ही बता रहा हूँ नेक्स्ट आ जाते हैं अल्फा रिसेप्टर अल्फा वन जी क्यू से अल्फा टू जी आई से सो दिस इज मैंने आपको पहले ही बताया है ये uh, क्या होते हैं ये एम सी क्यूज है बीटा वन बीटा टू और डोपीन वन रिसेप्टर जी एस कपड़ है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीटा रिसेप्टर आर यूजली मोर सेंसिटिव टू एक्टिवेशन देन अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर ज्यादा सेंसिटिव है अल्फा रिसेप्टर से ये दोनों कौन से रिसेप्टर है एड्री रिसेप्टर है यानी कोई ऐसी ड्रग जो बीटा पे भी एक्ट कर सकती हो जो अल्फा पे भी एक्ट कर सकती हो तो बीटा ज्यादा सेंसिटिव है तो वो लो डोज पे बीटा पे एक्ट करेगी और जब हाई डोज करोगे तो वो अल्फा पे एक्ट करेगी तो अब ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए बीटा सेंसिटिव है यानी जो ड्रग बीटा और अल्फा दोनों पे एक्ट कर सकती है वो पहले बीटा पे एक्ट करेगी बाद में वो अल्फा पे एक्ट करेगी क्योंकि सेंसिटिव चीजों पे पहले इफेक्ट आता है ये, ये पॉइंट्स आ गए ये आप लोग लिख लें ये आपको इनशाला बहुत फायदा देंगे ये आपके एमसीक्यू सारे सोल्व करवाएंगे ये आपको सारी ड्रग्स जब आगे आएंगी वो ड्रग्स का इन ऑर्गन पे क्या फैक्ट हो रहा है वो आपको याद करवाएंगे ये मैंने बड़े अलहदा करके लिखे हैं क्योंकि एक दो दो कंफ्यूज करने वाले थे तो ये अलहदा करके आपको बहुत फायदा होगा और इन हेल्प कोई भी ऐसी ड्रग जो कि बीटा टू को या अल्फा को एक्टिव कर रही होती है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रही होती है या ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रही होती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी तो क्या होगा ग्लूकोज ज्यादा होगा <coughs> तो ऐसी ड्रग्स बड़ा देख के दी जाती है मतलब आप एमी डायबेटिक पेशेंट्स को ऐसी ड्रग्स नहीं दोगे

कोई ऐसी ड्रग होती है जो कि बीटा वन होती है वो उस ड्रग का नेम देंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे और वो कहेंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेनिन तो अगर बीटा वन पे वो एक्ट ड्रग कर सकती हुई तो वो रेनिन को इंक्रीज करवाएगी जैसे आप लोग आगे एलब्यूटीलॉसब्यूटामोल ये पढ़ोगे तो ये बीटा पे एक्ट कर सकती है और जब ये बीटा पे एक्ट करेगी Uh, तो फिर एज अ रिजल्ट yes, आइसोप्रोटेन सबसे इंपॉर्टेंट डोब्यूटामिन ये आगे सारी ड्रग्स आएंगे नेक्स्ट है स्किन आपकी स्किन में बड़ा इंपॉर्टेंट uh, होते हैं पायलो मोटर स्मूद मसल कॉन्ट्रैक्ट वहां पे अल्फा होते हैं जब कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए किसी के रोंगटे खड़े हो गए रोंगटे कैसे खड़े होते हैं एक, ये एक्ट करेगा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट हुआ होता है तो फायलो मोटर स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर बाल आपके खड़े हो जाएंगे स्वेट ग्लैंड दो टाइप के होते हैं थर्मो रेगुलेटरी जो आपकी पूरी बॉडी पे होते हैं एपोक्राइन, जो कि हेयर फोलिकल्स में होते हैं मेनली तो जो पूरी बॉडी में होते हैं ये एक्ट करते हैं थ्रू रिसेप्टर लेकिन ये मस्क्यूरिनिक होने के बावजूद भी सिंपथेटिक है तो ये खास बात है एपोक्राइस वे ग्रंथ अल्फा रिसेप्टर के अल्फा रिसेप्टर जब हैं तो सिंपथेटिक आई में दो चीजें आती है आई में एक आती है प्यूपिलेशन ऑफ एक आई में चीज आती है नर्वस सिस्टम so, जो है अल्फा रिसेप्टर आपकी आई में प्रेजेंट है और अल्फा रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो प्यूपिल पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के मस्कुलिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट आई में कौन से मस्कुलिनिक रिसेप्टर M3 जब एक्टिवेट होता है तो प्यूपल कंस्ट्रिक्शन तो ये आप कंपैरिजन देखते जाएंगे सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का आई में बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता अकोमोडेशन आई पे यानी अगर हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का बाद में देखेंगे कोई ड्रग्स होंगी उसका अकोमोडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा जबकि जो अकोमोडेशन है प्राइमरी कंट्रोल की जाती है मस्क्रीनिक रिसेप्टर यानी पैरासिम्पथेटिक आपकी अकोमोडेशन कंट्रोल करते हैं यूट्रस पे यूट्रस पे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के दो तरह के रिसेप्टर होते हैं बीटा टू एंड अल्फा बीटा टू इंपॉर्टेंट है बीटा टू रिलैक्स करते हैं यूट्रस को रिलैक्स करते हैं ऐसी ड्रग जो यूट्रस को रिलैक्स करेंगी वो बेबी की डिलीवरी में मसला करेंगी बेबी की डिलीवरी नहीं होने देंगी सही हो गया बीटा टू पे अगर एक्ट करती है तो रिलैक्स करिएगा तो यूट्रस रिलैक्स होगा तो बेबी की डिलीवरी नहीं होगी अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं बहुत कम होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अल्फा का मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है बीटा रिलैक्स से रिलेटेड होते हैं और जो पैरासिपथेटिक है एम थ्री प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में ये भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये देखें मैंने कंपैरिजन करके रख दिया अब आपको कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिस्टमेशन करवाते हैं द नर्वस सिस्टम इरेक्शन नेक्स्ट अब हम देखते हैं हार्ट हार्ट में भी दोनों सिस्टम्स होते हैं हार्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है हार्ट में पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है सिंपथेटिक की बीटा वन हमने कहा था प्रेजेंट होते हैं और पैरासिम्पथेटिक में एम टू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सिंपथेटिक एक्टिवेट होगा तो हार्ट रेट विल इंक्रीज एंड एक्टिवेट होगा हार्ट रेट विल डिक्रीज नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड रिपीटेडली आस्क इन इन वाइवा और इधर अब आपको नॉन इनर चीज का समझाऊंगा अब ये आप लोगों ने याद रखना है

रिसेप्टर्स आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर व्हाट इज मेट बाय इनर्वेशन इनर्वेशन ये होती है कि पीछे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना उधर से नर्व आ रही होगी और नर्व आके इसको इनर्वेट कर रही होगी यानी इसको एक्टिवेट कर रही होगी तो जो अल्फा और बीटा होते हैं इनको कौन सी नर्व एक्टिवेट करती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम सही हो गया और जो एम uh, थ्री होते हैं इसको कौन सी नर्व्स एक्टिवेट करती है पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के

एक्टिवेट होता है तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नॉट इनरवेटेड यानी पैरासिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम ब्लड वेसल्स में जो एम थ्री रिसेप्टर है या मेस्कडिनिक रिसेप्टर है इनको इनरवेट नहीं किया होगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा आपका पैरासिंपैथैटिक नर्वस सिस्टम एक्ट होता है तो ब्लड वेसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज दीज रिसेप्ट आर नॉट इनरवेटेड तो इसका फायदा क्या है इन रिसेप्टर्स का ये फायदा है कि कभी हम कोई ड्रग देते हैं डायरेक्टली ब्लड में हम कोई ड्रग ब्लड में देते हैं ये हमने दे दी इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा दिया उसको अब जो इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया है ना इस बंदे को वो लेट्स जाके रिसेप्टर पे एक्ट कर सकता है तो क्या होगा वो रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा और मस्क्रीनिक रिसेप्टर के थ्रू ब्लड वेसल की रिलैक्सेशन करवा देगा यानी अगर पैरासिंपेथेटिक बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट होता है तो रिलैक्सेशन ब्लड वेसल्स की नहीं होगी क्योंकि एम वर्क नहीं कर रहे लेकिन अगर हम आई वी इंजेक्शन देते हैं कोई ड्रग देते हैं जो ब्लड में आ जाती है और ब्लड में आके डायरेक्टली उस रिसेप्टर पे जाके लगती है जो ड्रग डायरेक्टली जाके रिसेप्टर पे खुद अटैच होगी वो इसका एक्शन परफॉर्म करवा सकती है सेम इज द केस विद बीटा टू तो इनरवेटेड का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है ये लिख लेना डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स सिर्फ ये ड्रग्स जाके नॉन इनरवेटेड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकती है और एक और लाइन ये आगे आप लोग को जाके समझ आ जाएगी कि इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स कैन नॉट इनरवेट जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो कभी भी जाके आपका ब्लड वेसल्स पे एक्ट नहीं करेगी वो इन रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्योंकि इनडायरेक्टिंग जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है ना ये जैसे ये नर्व है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग ने इस नर्व पे जाके एक्ट करके इसमें से चीजें रिलीज करवानी होती है अगर इस रिसेप्टर की जो ये रिसेप्टर है इसकी नर्व है ही नहीं तो इनडायरेक्टिंग नर्व इस नर्व पे जाके एक्ट ही नहीं कर सकती जब इस नर्व पे जाके एक्ट कर ही नहीं सकती तो वह इस रिसेप्टर पे कोई इफेक्ट डाल ही नहीं सकती तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एम सी क्यूज क्वेश्चन बनता है डिफरेंट तरीकों से और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ द ब्लड वेसल्स तो ब्लड वेसल्स याद रखना है कि जो सिर्फ अल्फा वन रिसेप्टर है ये इनरवेटेड होते हैं यानी इस अल्फा वन रिसेप्टर पे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग दोनों एक्ट कर सकती है बीटा टू रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वेजो करवाते हैं लेकिन इस पे सिर्फ डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स वर्क कर सकती है इन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स इस पे वर्क नहीं कर सकती पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम में याद रखें मस्क्रिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मस्क्रिनिक रिसेप्टर्स जो है उस पे आके ड्रग डायरेक्टली लगेगी एंडोथेलियम को सिग्नल जाएगा एंडोथेलियम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज जब होगा तो एज अ रिजल्ट वैसोडिलेशन हो जाएगी तो ये आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है सो तो ये याद रखें कुछ जगहों पर अब देखें हर जगह पर सिंपैथेटिक भी है पैरासिंपैथेटिक भी मोस्टली है तो कुछ जगहों पर पैरासिंपैथेटिक डोमिनेट करता है कुछ जगहों पे सिंपैथेटिक ऑलमोस्ट बॉडी के सबसे ज्यादा हिस्सों में पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेटेड होता है यानी ये ज्यादा एक्ट कर रहा होता है सिर्फ कुछ हिस्सों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्ट करता है उसमें से एक है ब्लड वेसल ब्लड वेसल में सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेटेड होता है जैसे घर में अम्मी अबू है, है तो दोनों ही आपके पेरेंट्स लेकिन एक डोमिनेटेड होता है कम डोमिनेटेड होता है ज्यादातर घरों में अबू डोमिनेटेड होंगे सही हो गया लेकिन कुछ ऐसे घर जरूर होंगे जिसमें अमिया डोमिनेटेड होंगी तो इसी तरह सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक तरह से आप अम्मी समझ लें और पैरासिंपथेटिक को एक तरह से अबू समझ लें ये ज्यादा जगहों पर डोमिनेटेड होता है कुछ जगहों पर लेकिन सिंपथेटिक भी डोमिनेटेड होता है

रोकने का तरीका नोरपिनफिन के रिलीज को रोकने का तरीका तो ये मटायरोसिन है ये टाइरोसिन हाइड्रोक्सी है इधर एक्ट करके टायरोसिन से डोपा ही नहीं बनने देती तो ये ड्रग नोरपिनफिन बनने से रोकेगी ये रेजरपिन है ये डोपामीन को स्टोर होने से रोकती है नोरपिनफिन की फॉर्म में और जो गवानी है ये आपके क्या करेगी नॉरपिनफिन को रिलीज नहीं होने देगी सेम इसी तरह कोलिनर्जिक में था जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ वो प्रॉक में आया हुआ है यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कोकेन होती है और टी होती है ये इस रिसेप्टर को बंद करती है तो नोड एपीनेफ्रीन लेवल ये नोडिनेफ्रीन सेल के इसके अंदर जाना होता है प्रीसाइनेप्टिक के तो नोर एपिनेफ्रीन लेवल क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा तो कोकेन जो कर लेते हैं उनमें नोर एपिनेफ्रीन का इधर लेवल ज्यादा हो जाता है तो उनका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा फिर नर्व टर्मिनल में मैंने बताया था जो नर्व होते हैं ये प्री साइनेप्टिक है ये पोस्ट पोस्टिक है, है जो प्री साइनेप्टिक है यहाँ पे मेनली मेनलीफा टू हैं और यहाँ पे एम ये होते हैं तो नोड एपीनेफिन ऑटो रेगुलेटर है यानी नोड एपिनेफिन प्रोड्यूस हुई जाके अल्फा टू रिसेप्टर पर लगी और अपनी ही रिलीज को कम कर दिया यानी अगर ज्यादा नॉर एपिनेफिन रिलीज होगी ये जाके खुद अपने आप की रिलीज कम कर देगी सेम इज द केस विद एसिटाइलोलिन uh, अगर एसीटाइलोलिन यहाँ पे जाके लगती है रिसेप्टर पे तो वो ये रिलीज को कम कर देगी तो ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो नॉर एपीनेफरन होती है ना वो जब प्रोड्यूस होती है नॉर एपीफ्रीन आपके लेफ्ट में थी यहाँ पे आपने पीछे देखा कि नॉर एपीनेफरिन यहाँ पे थी ये डिफ्यूज होंगी और डिफ्यूज होके मेटाबोलाइज होती है कोमेट और एमए होता है

और जी प्रोटीन होते हैं एम वन सी एन एस में होते हैं एम टू हार्ट में होते हैं एम थ्री पेरीफ्री ऑलमोस्ट सारे स्मूथ मसल्स में होते हैं तो ये ऐसी क्यों आया हाउ डू डिफरेंट ड्रग्स और टॉक्सिन अफेक्ट द ट्रांसमिशन प्री ट्रांसमिशन तो इसकी जो हमने डायग्राम देखी थी वो थी तो और क्या इसमें से ऐसी क्यों आ सकता है जो हमने सिंपथेटिक uh, अभी रिसेंटली डायग्राम देखी है वो आ सकती है सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेज लेक्चर विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अब इस लेक्चर की बेस पे आप अगले चार लेक्चर समझ आएँगे आउट ऑफ विच टू आर डेमो बाकी पेड सेशन में है पेड सेशन की डिटेल्स आप लोगों ने पता करनी है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा हमारा कोई ऑफिशियल ये एक ऑफिशियल नंबर है और एक जिस पे मेन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो आप इस पर आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस सेक्शन or you will get the detail and you can pay the fees after paying the fees you will be added in the group or inshallah on the 12th of april we will start this session isme test viva sab included moderator will be there to help you in different aspects and inshallah everything will go fine i hope i hope this lecture will help you do share it with your friends thank you very much for listening